वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास के गुप्ता पीरियड की तरफ हम बढ़ते हुए चलेंगे, यानी कि जो गुप्त साम्राज्य है ये 319 एडी से 540 एडी तक चलने वाला है। इसके पहले हम मगध तक डिस्कस कर चुके हैं, ये है हमारा लेक्चर नंबर 11। यदि आपने इसके पहले के लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखें, आने वाले एग्जाम्स में आपको काफी मदद इनसे मिलने वाली है। और ये जो लेक्चर रहेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। स्टेट दिए हुए हैं और साथ में उनके एम्बलम के बारे में पूछा हुआ है। तो चेरा, चोला और पांड्य ये तीन स्टेट थे और उनके एम्बलम कौन कौन से थे। चेरा का था धनुष वो, चोला का था बाघ यानी कि टाइगर और पांड्या का कौन सा था फिश यानी कि मछली। तो ए बी सी ये 1 2 3 को फॉलो करेगा तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ तमिलनाडु, यानी कि निम्नलिखित में से किसे द बाइबल ऑफ तमिलनाडु से कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है द बाइबल ऑफ तमिलनाडु, कुरल को कहा जाता है। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कुरल को द बाइबल ऑफ तमिलनाडु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर, यानी कि पहले ज्ञात गुप्ता शासक कौन था। तो पहला ज्ञात गुप्ता शासक माना जाता है श्री गुप्त को और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ये क्या है 240 से 280 एडी। याद रखना है श्री गुप्त जो कि गुप्ता वंश गुप्ता साम्राज्य के फाउंडर माने जाते हैं और ये जो गुप्ता रूलर हैं ये बाबर कुल माने गए हैं इसलिए हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले मगध एम्परर था, मगध साम्राज्य था उसको पावरफुल माना गया था, जिसमें कि हमने हर्यंका डायनेस्टी जो कि बिम्बिसार इसके फाउंडर थे, उसके बाद शिशुनंगा, फिर आया नंदा डायनेस्टी जो कि महापद्मनंदा इनके फाउंडर थे, फिर आता है मौर्यन, मौर्यन काफी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद मौर्यंस के बाद क्या आते हैं सुंगा आते हैं मौर्यंस के बाद, उसके बाद आते हैं कनवा और फिर आता है लास्ट मगध एम्पायर का सतवाना, सतवाना डायनेस्टी जिसके फाउंडर कौन थे सिमुखा, सिमुखा याद रखना है। तो ये था मगध एम्पायर मगध साम्राज्य, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसको हम क्वेश्चंस के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है गुप्ता रूलर यानी कि गुप्ता साम्राज्य। तो जो गुप्ता साम्राज्य है तो इसके जो संस्थापक तो श्री गुप्त हो गए और 270 के आसपास इसकी स्थापना की जाती है और गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था चंद्रगुप्त प्रथम। ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है ये गुप्त वंश के प्रथम महान सम्राट माने जाते हैं और इन्हीं को रियल फाउंडर माना जाता है। रियल फाउंडर कौन थे गुप्त वंश के, कौन थे चंद्रगुप्त प्रथम। पर यदि क्वेश्चन बनता है तो फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर कौन है श्री गुप्त है, तो याद रखना है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सिल्वर कॉइंस ऑफ द गुप्ता पीरियड वर नॉन एज, यानी कि गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है था, तो क्या कहा जाता था रुपया का इनको कहा जाता था, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग विच गुप्तास किंग रीजन डिड द चाइनीज ट्रेवलर फाइंड विजिट इंडिया, यानी कि किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री वहां भारत आया था। तो पहले हम जो गुप्त साम्राज्य है गुप्ता एम्परर है इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ इसी तरफ हम बात कर लेते हैं। तो गुप्त साम्राज्य के जो रियल फाउंडर माने जाते थे चंद्रगुप्त प्रथम माने जाते थे और इनका टाइम ड्यूरेशन क्या था 319-335 एडी। और जो गुप्त साम्राज्य का एक्चुअल टाइम पीरियड माना जाता है वो यहीं से स्टार्ट होता है 319 एडी से 550 एडी तक माना जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इनके जो उत्तराधिकारी हुए कौन हुए समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त इनके उत्तराधिकारी हुए और जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसका उत्तराधिकारी तो हो गया समुद्रगुप्त और इनको कब 335 एडी में इनको गद्दी पर बिठाया गया। अब जो चंद्रगुप्त थे ये तो नॉर्थ इंडिया के कुछ जगहों पर ही रूल करते थे पर इन्होंने क्या किया मिलिट्री कैंपेन चलाए, मिलिट्री कैंपेन चलाए होल ऑफ इंडिया है और इसी के कारण इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया समुद्रगुप्त को।
ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया है, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो बात करें राजगद्दी पर ये बैठ जाते हैं और आर्यभट्ट के 9 शासकों और दक्षिणाभट्ट के 12 शासकों को पराजित किया और इन्हीं विजयों के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। और इन्होंने लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इशू किए थे, गोल्ड कॉइन्स इन्होंने इशू किए थे, लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स। और इसमें कौन कौन से गोल्ड कॉइन्स थे? एक तो अश्वमेधा टाइप और एक थे मीना टाइप। ये इन्होंने गोल्ड कॉइन्स लॉन्च किए थे। और इनके बाद आते हैं जो इनके सन होते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। तो समुद्रगुप्त के पुत्र होते हैं ये, सन होते हैं समुद्रगुप्त के चंद्रगुप्त द्वितीय। पहले कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम आए, फिर उसके बाद इनके उत्तराधिकारी हुए समुद्रगुप्त, और इनके बाद आए, यदि हम क्रम वाइज चले, फर्स्ट हो गए चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, और फिर आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये सन ऑफ समुद्रगुप्त माने जाते हैं। और इन्हीं के टाइम पर पाहिम जो कि चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे ये आए थे। और साथ ही में जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इन्होंने किनको पराजित किया? इन्होंने डिफीट किया सकास को इन्होंने पराजित किया। और उसके बाद टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का इन्होंने टाइटल लिया विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य का मीनिंग क्या है? विक्रमादित्य का मीनिंग है सन गॉड, यानी कि जो सूर्य के देवता होते हैं उनका इन्होंने टाइटल लिया लगभग 388 AD के टाइम पर। और साथ ही में जो फाइन चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क आए थे ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। इन सर्च ऑफ ओरिजिनल स्क्रिप्चर ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि जो ओरिजिनल स्क्रिप्चर के इस खोज में आए थे फाहिम, कहां पर? चंद्रगुप्त द्वितीय की सभा में। तो ये याद रखना है, चंद्रगुप्त के शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री फाहिम भारत आया था, तो ये याद रखना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वाज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी कि गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो हमने बात की है किसको? समुद्रगुप्त को कहा जाता था भारत का नेपोलियन, तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड अश्वमेध यज्ञ, यानी कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ है? तो अभी हमने बात की है, इन्होंने जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, साथ ही में अश्वमेध टाइप के कॉइन्स और वीना टाइप के कॉइन्स, तो किसने किए थे? ये किए थे समुद्रगुप्त ने, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड कालिदासा फ्लोरिश, यानी कि निम्नलिखित में किस राजवंश के शासनकाल के दौरान कालिदास का उत्कर्ष हुआ था? तो जो गुप्ता डायनेस्टी होती है, गुप्ता डायनेस्टी की हमने बात की, तो जो गुप्ता डायनेस्टी है इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया है गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया, इसको कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया। अब ये किस वजह से किया जाता है? एक ही रीजन नहीं है इसको कि जो सोने के सिक्के इसमें ज्यादा लॉन्च किए गए हैं तो उनके कारण इसको गोल्डन एज कहा जाता है, बल्कि इसमें क्या होता है, संस्कृत संस्कृत लिटरेचर उभर के सामने आता है, साइंस आता है और साथ में आर्ट एंड आर्किटेक्ट भी इसमें उभर के सामने बहुत तेजी से आता है। और साथ ही में इसको बिगिनिंग ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मंदिरों का निर्माण जो कि नागरी स्टाइल में किया गया है, तो इसलिए इनको कहा जाता है। तो राजवंश के शासनकाल के दौरान कालिदास का उदय किस राजवंश के शासन के दौरान होता है? तो ये होता है गुप्ता पीरियड में, और गुप्ता पीरियड में भी कब होता है ये उदय? गुप्ता पीरियड में होता है चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर, जिनको कि विक्रमादित्य के नाम से भी हमने डिनोट किया है, इनको उपाधि दी है। और जो कल्चर सेंटर होता है उज्जैन होता है, और इसमें कालिदास काम अपना कर रहे होते हैं। और साथ ही में जो कालिदास है इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है।
सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द पीरियड मेक्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, यानी कि कौन सी अवधि भारतीय मंदिर वास्तुकला की शुरुआत का प्रतीक है। तो कौन सी है, हमने बात किया है जो गुप्ता पीरियड है, इसको बिगिनिंग ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो नगर स्टाइल में टेम्पल्स बनना स्टार्ट होते हैं, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और साथ ही में इस टाइम पर एक टेम्पल बनाया गया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, दशावतार टेम्पल। और ये कहां पर है, ये है देवगढ़ झांसी में ये लोकेटेड है। तो ये भी याद रखना है, गुप्ता पीरियड को ही कहा जाता है इंडियन टेम्पल का बिगनिंग, यानी कि जो वास्तुकला है उसका स्टार्टअप इसको माना जाता है। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Let's assume the title of विक्रमादित्य, यानी कि किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो किसने की है विक्रमादित्य की उपाधि धारण, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये उपाधि धारण की है, अभी हमने डिस्कस किया है। बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो ये था आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।